what, guys? हमें भी CIA के बारे में एक बुक निकालनी चाहिए. लेकिन कवर पे मेरा ही फोटो, ओके? तब तो कोई नहीं खरीदेगा. गाइस, ईशान और निकी कहाँ रह गए? पता नहीं. हेलो ईशान, क्या हुआ? ईशान, व्हाई आर यू साउंडिंग सो लो? What? क्या हुआ? What happened? Oh no! सोचिए क्या हुआ? ईशान के डैड. What happened to him? Guys, he's going to get arrested. Ishan. आज सुबह डैड को कंबाला रिसर्च सेंटर से सस्पेंड कर दिया. But why? उन्होंने चोरी नहीं की. कल रात रिसर्च सेंटर के सेफ से कोई इंपॉर्टेंट टॉप सीक्रेट फॉर्मूला चोरी हो गया. इसका कॉम्बिनेशन सिर्फ डैड के पास था, और क्योंकि उस एरिया के इंचार्ज डैड है तो सारा शक भी. अरे ऐसे कैसे कोई उन पे शक कर सकता है? रिलैक्स ईशान, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. मुझे डैड का नाम क्लियर करना होगा. हम सबको, वी आर ऑल इन दिस विद यू. यस ईशान. अंकल, हुआ क्या? 15 सालों का कमाया हुआ सारा नाम एक झटके में खत्म. Forget it. इंक्वायरी बैठी थी, अब पुलिस आएगी, मेरे घर की तलाशी लेगी, और फिर मुझे एक रिपोर्ट लिखनी होगी, केस होगा और सब कुछ खत्म. और मैंने कुछ नहीं किया. CIA ने कंबाला में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए, आप हमें बताइए. शायद ये केस तुम्हारे बस के बाहर हो, मगर फिर भी सुनो. 4 दिन पहले 3 साल की मेहनत के बाद कंबाला रिसर्च सेंटर ने एक इन्वेंशन ब्रेक थ्रू किया था, जाइगोनॉल. डॉक्टर, फायर. Friends, we finally did it. एक ऐसी फायरप्रूफ कोटिंग जिसके लगाने से हर चीज आग से बच सकती है, चाहे वो कुछ भी हो, लकड़ी, मशीनरी, फर्नीचर, एनीथिंग. बेसिकली नो मोर फायर्स. थैंक्स टू जाइगोनॉल. दुनिया का पहला फायरप्रूफ नॉन रिएक्शन कोटिंग सब्सटेंस था, जिसकी इन्वेंशन कंबाला में हुई थी. इट वॉज टॉप सीक्रेट, और ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कमर्शियल बाजार में करोड़ों की होगी. उस सीडी पे जाइगोनॉल का फॉर्मूला था. हाँ, और अब वो गलत हाथों में है.
मगर अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि मैंने लिया था, क्योंकि लैब का दरवाजा मेरे आई कार्ड से खोला गया था। पर कैसे? मेरा बैग किसी ने चोरी कर लिया था, मगर आश्चर्यजनक बात तो यह है कि उस की कॉम्बिनेशन की सिर्फ मेरे पास है। डैड, आपने वो केमिकल खुद बनाया ना, तो आपको उसका फॉर्मूला तो याद होगा, तो आप उन्हें दे दो ना डैड, प्लीज। निकी, इतना आसान नहीं है, वो फॉर्मूला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन दैट वाज टॉप सीक्रेट, उसे चोरी नहीं होना चाहिए था। कोई चांस के आपके सेफ का कॉम्बिनेशन आपने किसी और को बताया हो? नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन मैंने कहीं लिखा ही नहीं था, सिर्फ मेमोराइज किया था, और इस इन्वेंशन की खबर मुझे और मेरी टीम के सिवा किसी और को है ही नहीं। थैंक पुलिस। डॉक्टर मेहरा, आपको इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक मिनट, अगर तुम लोगों के पास और कोई क्वेश्चंस हो, ये डायरी रख लो, इसमें मेरे कोलिग्स के नंबर हैं। ओके, प्लीज चलिए। एंड गाइस, डोंट वरी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर सिस्टर। टैग की रिसर्च टीम में तीन लोग थे, और क्योंकि मैं वहां गया हूं, अब मैं एकदम और एक थी डॉक्टर विशाल रेड्डी, दूसरी डॉक्टर अमृत मोदी, और तीसरी डॉक्टर नीना दीक्षित। हो सकता है कि इनमें से कोई एक हो जिसने ये सब किया हो। पर रोहित भैया, दे आर डैड्स कोलीग्स, तो फिर वो लोग क्यों? एक मिनट, लास्ट वीक डैड कह रहे थे कि कंबाला रिसर्च सेंटर से दो लोगों को प्रेसिडेंट्स मेडल के लिए नॉमिनेट किया गया है, एक तो डैड और दूसरे डॉक्टर मोदी। लेकिन ईशान, अब जो हुआ है उसके बाद तो ये अवार्ड, हेलो, हाँ देखो मुझे फोन मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ, नहीं 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 करना चाहता हूँ। God bless you. मौसम बहुत खराब है बेटे। Thanks अंकल। अंकल, मैंने आपको कुछ दिन पहले एक कुछ ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करते हुए देखा था। Oh, you What mean, that? Knee exercise. हाँ। You want to know again? हाँ। Great अंकल, great. मैं भी करूँगा, हाँ? नी एक्सरसाइज अपने एल्बोस के लिए। थैंक्स, बाय अंकल, बाय। आई स्टिल थिंक अगर हम क्राइम सीन जाएंगे तो बेटर होगा। नो चांस, कंबाला रिसर्च सेंटर में हमें कोई अंदर नहीं जाने देगा। या बट दिस स्टीलिंग अदर पीपल्स फोन वापस कर देंगे। आई जस्ट वांटेड टू सी कि चोरी के दिन डॉक्टर मोदी के फोन पे कोई स्पेशल मैसेज या स्पेशल नंबर से फोन आया है या नहीं। Pass me the phone. See, 12th Jan, Dad कह रहे थे कि सेफ के मेमोरी कार्ड से पता चला है कि चोरी रात के एग्जैक्ट 11:37 पे हुई। और ये देखो, डॉक्टर मोदी ने 11:15 और 12:16 को सेम नंबर पे फोन किया। You mean चोरी के पहले
और चोरी के बाद दो कॉल्स. वन बॉस काम होने वाला है. टू बॉस काम हो गया. और उसी नंबर से इतने सारे मिस्ड कॉल्स. और आज सुबह पार्क में भी इसी नंबर से फोन आया था. सी द टाइम समथिंग्स अप. शुभ ये तो कंबाला का कोई लोकल सेल नंबर है. ईशान अपना वॉइस मॉड्यूलेटर लेकर आ. शो मी द फोन. अरे कब से फोन ट्राई करो, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अरे तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? मेरी तबीयत खराब है भाई. अरे तो और क्या करूं? कब्रिस्तान में. कंबाला कब्रिस्तान. ठीक 8 बजे. रोहित I said cafe Istana, not Kabristan. वो नया कॉफी हाउस. एक सेकंड, एक सेकंड. बिजी जा रहा है अब इसकी वजह से कब्रिस्तान जाना पड़ेगा. गाइस डॉक्टर मोदी और किसी के बीच फॉर्मूला का डिस्कशन. समथिंग्स अप गाइस. ये सब तो ठीक है लेकिन जब वो आदमी कब्रिस्तान में डॉक्टर मोदी से नहीं मिलेगा तो. मिलेंगे जब डॉक्टर मोदी ने बुलाया है. तो डॉक्टर मोदी ही मिलेंगे बेटी. क्या बात है डॉक्टर, ऐसे अंधेरे में अकेले क्यों बैठे हो? ओ अंदर कब्र में बहुत गर्मी. तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? गला खराब है, बैठ गया है इसलिए मैं भी बैठ गया. वैसे काफी अच्छी जगह चुनी है तुमने मिलने के लिए. कब्रिस्तान, यहां तुम्हें भी आसानी होगी और मुझे भी. हमारे साथ करता रही है. मुझे पता है कि डॉक्टर का फॉर्मूला तूने ही चुराया है. वो फॉर्मूला मुझे दे दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा. वो फॉर्मूला दे मुझे. ये बुड्ढा इतनी तेज कैसे भाग रहा है? डॉक्टर डॉक्टर रुक जा.
भागो भागो चलो। किसी ने उसकी गाड़ी का नंबर नोट किया? हाँ देखो। टाइम कूल, हम इसे कंबाला ट्रांसपोर्ट ऑफिस से ट्रैक कर लेंगे। बट द मेन थिंग इज डॉक्टर मोदी ने वो फॉर्मूला चुराया। गुगल वाला भी यही कह रहा था। लेकिन ये कंफर्म कैसे करेंगे? डॉक्टर मोदी से। यही है डॉक्टर मोदी की गाड़ी। चल चल चल, तू ये पे नजर रख, मैं लॉक खोलता हूँ। हाँ शान जल्दी कर। शान आ रहे जल्दी। अरे थैला तो मुझे दीजिए। अरे क्या हुआ, उन लोगों ने फिर फोन किया? हाँ वो शमशेर का कॉल मैं दो दिन से नहीं ले रहा हूँ। उन्हें लगता है कि चोरी मैंने किया और फंसा डॉक्टर मेहरा को दिया। अरे, लेकिन ये तो झूठ है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बहुत ही खतरनाक लोग हैं। तो आपको पुलिस को फोन करना चाहिए। कोई फायदा नहीं, मुझे ना कहने की धमकी दी है। अब समझ में नहीं आता कि मैं आपकी गाड़ी में लहसुन है क्या? तभी मुझे लहसुन से एलर्जी है। डॉक्टर ने बोला था कि लहसुन ना खाना ना सूंघना ना वो। तो तुमने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने? तुम भी निर्मला, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ईशान को अपने पापा की चिंता है। सर पर ये लोग है कौन? वो आदमी है शमशेर सिंह, एक बहुत ही खतरनाक माफिया ग्रुप के लिए काम करता है। वो ग्रुप राइवल्स के लिए कंपनी से उनके फॉर्मूले चुराता है, उनके ऑफिसर्स को ब्राइब करके। मुझे भी रिश्वत देने की कोशिश की थी। यहां तक कि मुझे उस फॉर्मूले को चुराने का सारा तरीका भी समझा दिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। और जब दो दिन पहले चोरी हुई तो उनको लगा कि चोरी आपने की है। राइट। लेकिन ये काम मैंने नहीं किया, और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि डॉक्टर मेहरा भी ये काम नहीं कर सकते। He is a very good man. ये कौन हो सकता है सर? वो निर्मला, चाय लाओ ना जरा, और ये भी ले जाओ। बेटे सीआरसी में एक शख्स है जिस पर मुझे शक है। टाइम खत्म हो रहा है, बॉस मेरी बैंड बजा देगा। समझ में नहीं आ रहा वो फॉर्मूला। हेलो कौन? तुम्हें जैगनोल का फॉर्मूला चाहिए? कौन बोल रहा है? 2 करोड़ तुम दाम दो, मैं फॉर्मूला देता हूँ। अरे पर तुम हो कौन? डॉक्टर मोदी? जो भी हूँ तुम बस आम खाओ, पेड़ मत गिनो, जैगनोल का फॉर्मूला मेरे पास है। हेलो 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 हेलो, Thank you.
मेरे डॉक्टर का फोन था. हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, हमारे रिसर्च टीम में एक जूनियर डॉक्टर है जिस पे मुझे शक है, और उसका नाम है डॉक्टर विशाल रेड्डी. तो सौदा पक्का? विशाल रेड्डी, पर उन पर आपको शक क्यों है? इसलिए कि उसे जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत है, जिसकी वजह से लाखों रुपए का कर्ज है उसके सर पर. मैंने भी उसे रुपए दिए थे, लेकिन अभी तक उसने मुझे वापस नहीं की. तो आपको लगता है कि उधार चुकाने के लिए उन्होंने ये किया होगा? हाँ, वो आंटी. हाँ. थैंक यू आंटी. सर, आपकी खांसी तो एकदम तंग आ गया हूं मैं. मौसम ही ऐसा है, क्या करें. सॉरी बेटा. लो, थोड़ी सी अदरक की चाय पी. बहुत जरूरी है. ओके अंकल, थैंक्स अ लॉट, बाय. टेक केयर. डॉक्टर विशाल रेड्डी, मेरे डैड की टीम में सबसे नए यही है. He just joined last year. अब उसे ट्रेस करना पड़ेगा. और वो ग्रेवियर वाला शमशेर, उसके नंबर हमारे पास है ना? या वन सेकेंड. डिस्कनेक्टेड, नकली एड्रेस पे. और उसकी गाड़ी का नंबर? नकली नंबर प्लेट, जो अब तक उसने चेंज कर दी होगी. तो इसका मतलब डेड एंड. डॉक्टर मोदी और शमशेर को बैक बर्नर पे रखते हैं. फिलहाल डॉक्टर रेड्डी. हेलो. या मॉम. या, दैट्स ग्रेट न्यूज़. डैड इज बैक. डैम कूल. गाइस, गुड न्यूज़. डैड फिर से घर पे आ गए. ग्रेट. यस. जब तक पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, वो कुछ साबित नहीं कर सकते. मगर अब भी ये केस खत्म नहीं हुआ. अब भी और इंक्वायरीज होंगी. इट्स क्वाइट ह्यूमिलेटिंग. मतलब प्रॉब्लम पूरी तरह से टला नहीं है. अंकल, क्या आप हमें आपके असिस्टेंट डॉक्टर विशाल रेड्डी के बारे में कुछ डिटेल्स दे सकते हैं? विशाल, उसे मैं बाकी सबके मुकाबले सबसे कम जानता हूँ. बट ही इज अ नाइस मैन. वो काफी क्वाइट रहता है और काफी टेंस भी. स्पेशली लास्ट वीक, जब उसने मेरी हेल्प से कंबाला रिसर्च सेंटर से एक पुराना कंप्यूटर लिया था, वेबकैम के साथ, अपने घर में लगाने के लिए. पर कंप्यूटर क्यों? वो कह रहा था कि वो इंटरनेट कनेक्शन लगाएगा और चैट करेगा अपनी फैमिली के साथ, जो आई थिंक यूएस में रहती है. वेबकैम, हाँ. क्या आप उस कंप्यूटर की डिटेल्स दे सकते हैं और डॉक्टर रेड्डी का एड्रेस भी? हाँ, व्हाई नॉट. मगर तुम क्या कहना चाह रही हो? विशाल इज इन्वॉल्व्ड समहाउ? दैट वी आर जस्ट ट्राइंग. फिर देखते क्या होता है. अच्छा अंकल, ये केमिकल क्या है? दिखाओ. कार्बन डाइक्लोडाइफ्लोराइड. ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो जाइगनोल का मेन इंग्रेडिएंट है. डॉक्टर रेड्डी के कंप्यूटर नंबर और घर के एड्रेस के थ्रू मैं उनके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस ढूंढ रही हूँ. सूची, ये आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. जैसे घर का एड्रेस होता है, वैसे कंप्यूटर का एड्रेस. लेकिन तू डॉक्टर रेड्डी के आईपी एड्रेस को ढूंढ के करेगी क्या?
मेरे इस वेब ट्रैकर से उसे जैम कर देंगे. चेक दिस गाइस. यस, मिल गया. बस अब यहाँ बैठे बैठे मैं उनके कंप्यूटर को जैम कर दूंगी ताकि उनका इंटरनेट बंद हो जाए. ईशान, नेक्स्ट मूव इज योर्स. रोजर दैट. ग्रेट गन सुची. कम ऑन, बक अप, बक अप, बक अप. यस, फास्ट और फास्ट. यस यस यस. कम ऑन. I'm coming. Yes. हेलो डॉक्टर रेडी, मैं ईशान, डॉक्टर मेहरा का बेटा. सर, वो सीडी की चोरी के बारे में आपसे कुछ पूछना था. सुची, पेशेंस गाइस, सब समझ में आ जाएगा. अगर हमें डॉक्टर रेडी को मॉनिटर करना है तो इससे बेटर तरीका नहीं मिलेगा. तो बस जो कुछ भी हुआ मुझे ये सब मालूम है बस. नो, इट्स इनफ. ओके सर, मैं चलता हूँ, मुझे कंप्यूटर क्लासेस जाना है. मैं इंटरनेट और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में सब कुछ सीख रहा हूँ. गुड, वेरी गुड. नाइस मशीन. हाँ, कंबाला रिसर्च सेंटर का है. तुम्हें इंटरनेट के बारे में कुछ पता है? एक्चुअली मेरा इंटरनेट सुबह से ही कुछ गड़बड़ चल रहा है. ओह, मैं देखता हूँ, आई विल फिक्स इट. थैंक यू वेरी मच. कुछ मेल्स आने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स भी आने हैं मेरे. हाँ, प्लीज चेक इट. ईशान कंप्यूटर के पास है. डॉक्टर रेडी, इट्स टाइम टू कनेक्ट योर इंटरनेट. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. आता हूं मैं एक मिनट. ये टेलकम पाउडर ले लो, ये दाग को एब्जॉर्ब कर लेगा. हम्म, सैंड. नाइस सर, आपका इंटरनेट चालू हो गया है, टेस्ट कर लीजिए. क्या बात कर रहे हो, अमेजिंग यार, गुड यार. सिर्फ आईपी एड्रेस थोड़ा अनस्टेबल है. ओके, तो आपको उसे स्टेबल करने के लिए मशीन पूरा दिन ऑन रखना पड़ेगा. वेल डन ईशान. अब तो हम स्टिंग ऑपरेशन का साइड बाय साइड बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, इजंट इट गाइस. सूची, मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछूं प्लीज. अब वेट एंड लिटरली वॉच. ओहू, यस. Guys, wake up. So much money. I knew it. ये जरूर Zygnol की डील का है. हाय शनबुल, फरहान लिसन, अंदर जो आदमी है ना उसको फॉलो करो. उसने अभी डॉक्टर रेडी को एक पैसों से भरा बैग दिया है. फरहान, इट हैज टू बी द मनी फॉर द फॉर्मूला. फरहान, जल्दी क्विक, ही इज कमिंग आउट. फरहान, क्विक.
गाड़ी अंदर है इसी बंगले में। लेकिन रोहित ये बंगला तो काफी सालों से बंद है। तुझे कैसे पता? छोड़, अब क्या करें? तो रुक, मैं देखता हूं। कोई भी नहीं है, चढ़ जा। पीछे देख, पीछे इधर उधर चल चल चल। अरे चलना आगे, अरे वरना वो फॉर्मूला चोर आ जाएगा। चलने तो मैं ही चलता हूँ आगे। हम डॉक्टर दीक्षित से डायरेक्टली मिलेंगे। पर सवाल फिर भी रहता है कि अगर हम तीनों नहीं तो कौन? कौन था मिला चोर? अंकल मैंने ये मुझे यहाँ मैं हूँ रिटायर्ड कर्नल नथुदास ढिंगरा। सर आप तो यहाँ नए आए हैं ना? आई मीन ये बंगला तो काफी सालों से बंद है। कोई शक? कल ही मैं कंपाला में आया हूं और तुम कंपाला वाले इस तरह मेरा स्वागत करते हो, आधी रात को मेरे घर में घुसकर? सर ये मॉडल्स आपका क्या कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है? कोई शक? देख लेना, 2 साल में मैं कंपाला को जनक बनाकर रख दूंगा। स्पास, हेल्थ क्लब्स, रिसॉर्ट्स, एवरीथिंग। इनफैक्ट अभी अभी मैं बहुत बढ़िया डील करके आया हूँ। अच्छा? एक साइंटिस्ट का घर खरीद कर। अच्छा, प्रॉपर्टी पेपर्स? प्रॉपर्टी खरीदी आपने? हाँ। तो वो पैसे? पैसे? कौन से पैसे? सर ये बैठ के पैसे की बात कर रहे हैं। अभी आने से पहले ये मुझसे शर्त लगा रहा था कि हम आपका पीछा करते हुए नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़े गए। चल भाई 100 रुपए दे मेरे। क्या पागल, 100 रुपए देना तू मुझे? शर्त के? एक सेकंड, शर्त लगाता है पैसे? हार गया अंकल, ये हमेशा ऐसे करता है। ये ले। अच्छा तो ये बैट थी? कोई शक? इम्पॉसिबल। मुझे तो अभी भी डॉक्टर मोदी पर शक है। उसने पर्पसली हमें डॉक्टर रेड्डी की तरफ डाइवर्ट किया होगा। हाँ, वो जो केमिकल हमें उसके घर में से मिला, कहीं वो फॉर्मूला घर पे तो नहीं बना रहा? सीधी से कॉपी करके डॉक्टर रेड्डी पे 1 more reason to suspect। I mean, इंटरनेट पे नए जॉब की एप्लीकेशन और एक आदमी 1 साल के अंदर अंदर अचानक नया जॉब क्यों ढूंढेगा? और वो भी इस टाइम पे? We can't say anything for sure, सूची। हमें 2 suspects मिले और हमने दोनों को ट्रेल किया। We've got nothing concrete। लेकिन एक और सस्पेक्ट है शान। रिसर्च टीम की 4th scientist डॉक्टर नीना दीक्षित। ईशान के दोस्त और तुम्हारे पीछे? ईशान और उसके दोस्त यानी कि CIA। आपने तो इनके बारे में सुना ही होगा। कंबाला की डिटेक्टिव एजेंसी, इन्होंने कंबाला केस की मिस्ट्री सॉल्व की थी। पर इन्हें मेरे पीछे आने के लिए किसने कहा होगा? पता नहीं। वैसे ये लोग काफी दिनों से मुझे भी फॉलो कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और क्या। बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भला आप और मैं डॉक्टर मेहरा को क्यों फंसाने लगे? देख लेना, डॉक्टर मेहरा को कोई भी कुछ प्रूव नहीं कर पाएगा। ही इज अ वेरी इनोसेंट पर्सन। वो तो मैं भी मानता हूं, पर सवाल फिर भी रहता है कि अगर हम तीनों नहीं तो फिर कौन? प्रोफेसर मोदी, आप टॉलिनॉल प्रोजेक्ट के बैलेंसेस कंप्यूट कर देंगे? मैं कर लेती, लेकिन आज शाम को मेरे डांस क्लासेस है। डॉक्टर दीक्षित आपका अच्छा डबल रोल है। साइंटिस्ट बाय डे एंड कथक डांसर बाय नाइट। नो नो नो, आई विल डू इट। ओके, अरे हाँ, बिफोर आई फॉरगेट,
तुमने लास्ट टाइम कोई चीज लाने के लिए कही थी, राइट? ये लो। थैंक यू सो मच, मेरे डांस क्लासेस में बड़े काम आएंगे। ऑल द बेस्ट। हेलो। तो क्या कहा तुम्हारे बॉस ने? बॉस को 2 करोड़ मंजूर है, लेकिन वो फॉर्मूला गारंटी मीटिंग की जगह फिक्स करें। डैड को रोज इंक्वायरी के लिए जाना पड़ रहा है, इट्स गोइंग क्रेजी यार। बस किसी तरह ये सब टल जाए और ये पुलिस भी कहीं नहीं पहुंची अब तक। डॉक्टर, दीक्षित के बारे में क्या प्लान है? ऐसा करते हैं, उसकी कार के पीछे कैमरा फिट करते हैं तो सब कुछ। नो, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर की डिसगाइज पहन। फॉरगेट इट गाइस, फॉरगेट इट, बहुत हो गया घुमा फिरा कर काम करना। आई मीन, अब तक हमने डिसगाइजेस किए, प्लान्स बनाए, चेस किए, लेकिन क्या मिला? नथिंग एट ऑल। तो अब हम डॉक्टर दीक्षित से डायरेक्टली मिलेंगे और उनसे डायरेक्टली पूछेंगे, और उसके बाद अगर हमें शक हुआ तो नील सी। जैसी डांसर साइंटिस्ट कैसे बन गई? पापा का सपना। नाइस क्लास, कौन से है? इट्स मोग्रा। ओके ईशान, तुम्हारे पापा के केस के बारे में क्या हुआ? आई रियली फील सॉरी फॉर हिम। थैंक्स आंटी, पर पुलिस अभी थोड़ी कंफ्यूज्ड है और हम भी। ओह यस सीआईए, आई होप तुम लोग ये केस सॉल्व कर दो। ऑल द बेस्ट। वाओ, सो मच इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। बचपन से कलेक्ट करती आ रही हूँ। बी केयरफुल। हाँ, या स्टोलन फॉर्मूला का सीडी केस ये यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रियली आई डोंट नो। डॉक्टर दीक्षित, अब पुलिस सिर्फ हमें बताएगी। नहीं, मैं बताती हूँ, आज सुबह ना डॉक्टर मोदी ने मुझे कोई सीडीज दिए थे कथक के, वो उन्हीं में मिक्स हो गए होंगे, बट मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और आपने उन्हें नोटिस नहीं किया? डॉक्टर मोदी ने सीडी का कवर मिक्स कर दिया होगा इसीलिए, बट आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता। गाइस, नो फिंगरप्रिंट्स। आई एम श्योर इसे ग्लव से हैंडल किया गया है। बॉस, डॉक्टर दीक्षित झूठ बोल रही है, पकड़ी गई तो रोना शुरू। I think we should inform the cops. Yeah, लेकिन अगर वो सच बोल रही है तो डॉक्टर मोदी ने उसे सीडी का वो क्यों दिया? Obviously, उसे फंसाने के लिए। I think it's him. But what about Dr. Reddy? हो सकता है वो भी इस सब में इन्वॉल्व है। मुझे तो अभी भी डॉक्टर मोदी पर शक है। यार, उसने जाइग्नोल का पूरा फॉर्मूला अपने घर पर बैठकर क्यों लिखा? You know what, guys? अगर हम किसी तरह उस शमशेर तक पहुंच जाए तो आई एम श्योर बाकी की सारी लीड हमें वही दे देगा। How? Phone number? Disconnected. Car number plate, नकली. उस तक पहुंचे तो कैसे? एक आइडिया है। हम उस तक नहीं, लेकिन वो हम तक पहुंच सकता है। बताऊं कैसे? तो तुम लोग चाहते हो कि मैं ये एड अपने पेपर में दूं, हाँ? For sale, special new fireproof chemical to safeguard against fire. Yes sir. ताकि वो जो क्रिमिनल माफिया इस फॉर्मूला के पीछे है वो हमें कांटेक्ट करे। ये एड पढ़कर माफिया तुम्हें कांटेक्ट करे ना करे, पुलिस जरूर तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। यस, सो आई सजेस्ट कि हम इस प्लान में पुलिस को इन्वॉल्व करें।
You mean दम लगा के? No way. हमारे पास कोई और रास्ता ही नहीं है. And don't worry, मैं रहूँगा साथ में ताकि कोई problems ना हो. ठीक है? So it's done. कल के newspaper में मैं ये ad दूँगा front. साला ये कैसा formula चूर है? पहले तो मुझसे बेचने की बात करता है. उसके बाद पेपर में ऐड देता है. इसकी तो मैं बैंड बजा दूंगा. हाँ जी, वो पेपर में ऐड दिया ना केमिकल का? हाँ जी हाँ जी, वो रोटी शोटी वास्ते है. बोलिए. वो अपने बॉस को खरीदने का, वो अपना बहुत बड़ा कंपनी है. ये उसी की आवाज है, वही बंदा है. किधर आऊं जी? आपने वो कंबाला हिल के ऊपर जो मंदिर है वो देखा है? हाँ जी, उसी के आउटसाइड मिल लेते हैं. 4:30. ओके ओके जी. 4:32 हो गए, अब तक आया नहीं. ये क्रिमिनल लोगों को टाइम का बिल्कुल वैल्यू नहीं है. सर, आप थोड़ा नीचे बैठेंगे? वरना वो आपको देख लेगा. हाँ, और अपनी पाँव ना आगे मत रखिएगा. क्यों? एंट हिल. हाँ, जानता हूँ. दो केसेस क्या सॉल्व कर लिए, मुझे कानून सिखा रहे हैं. एंट हिल से दूर रहना कानून नहीं है. हाँ, जानता हूँ. इतना सब कुछ हो गया, तुम लोगों ने मुझे बताया नहीं. अब मैं आ गया हूँ, ये केस मैं सॉल्व करूंगा. He's coming. Oh, he's coming. He's coming. मार. हाँ भाई, ये चाबी तो मैंने ही बनाई थी, पर याद नहीं कब बनाई. वैसे मेरे अंकल पुलिस में. ठीक है, अंकल से बात कर लेते हैं हम लोग. सर सर सर, सब यही वो गाड़ी की चाबी है. लेकिन सर, ये ओरिजिनल की नहीं है. तुम्हें ये बात कैसे पता? देखिए, इसके एजेस कितने रफ है. ऐसा लगता है जैसे इसे काटा गया हो. मुझे भी काटा गया है. इन चींटियों के साइड की हथकड़ी नहीं होती, वरना सबको अरेस्ट कर देता मैं. ये एक डुप्लीकेट इलेक्ट्रॉनिक की है. अगर ये काम कंबाला में हुआ है तो इसे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉनिक की मेकर बना सकता है, वो है नागेश भाई. हाँ भाई, ये चाबी तो मैंने ही बनाई थी, पर याद नहीं कब बनाई. अच्छा, कोई बात नहीं. वैसे मेरे अंकल पुलिस में, शायद वो याद दिला देंगे आपको. इंस्पेक्टर डीएस कुलकर्णी रिपोर्टिंग ऑन फोन. हेलो सर, मेरे हिसाब से एक आदमी मुझे नॉर्टन रोड पे ले गया. उसकी काली स्टीम की चाबी गुम हो गई थी. राइट, काली एस्टीम. नॉर्टन रोड पे तुम्हें घर याद है उसका? नहीं सर. नहीं याद है? नहीं. ठीक है, अंकल से बात कर लेते हैं हम लोग. सर सर सर, सब याद है, सब याद है, सब याद है ना. चलो. ये क्या है? मेरा स्टेटमेंट जो मुझे कल कोर्ट में पेश करना है. Thank you.
वो सेफ का पासवर्ड क्या है? एक 4-डिजिट नंबर 1481, मगर अब शायद वो काम नहीं करेगा, उन्होंने चेंज कर दिया होगा। लेकिन क्यों? नहीं ऐसे। ओके बाय बाय। रोहित, तेरे डैड से चुराया आई कार्ड से सीआरसी में एंट्री, अमेजिंग। लेकिन हम लोग वहां जाके करेंगे क्या? देख बॉस, मेरी एक थियोरी है चोरी की, जो वही जाकर प्रूव हो सकती है। पर हमें वहां जाने कौन देगा? वो सब मैंने सोच लिया है। हम लैब के अंदर जाएंगे कैसे और हमें अंदर जाके क्या करना है। कूल। ईशान की स्केलेटन की नेवर फेल्स। यहाँ अकेले आना इज वेरी डेंजरस। अगर श्रीनी को बताते तो उस दम लगा के को पता चल जाता, और अगर वो यहाँ पे आ जाता तो पूरा प्लान बिगाड़ देता। डोंट वरी, मैं ईशान को यहाँ के बारे में बताकर आया हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो वो यहाँ का पता जानता है। संभाल के संभाल के। सूची? या? यहाँ पर एक बैग है, यहाँ ला। ये देख। हाँ, इतने पैसे। Oh my God, यहाँ तो 1 या 2 करोड़ डेफिनेटली होंगे। हाँ 2 करोड़, 1 या 1.5 करोड़ नहीं, पूरे 2 करोड़। और मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, इन 2 करोड़ की रखवाली ना कर सकूं। नहीं नहीं नहीं, हम यार देखो, हम लोग तो ऐसे ही यहाँ पे है ना। नमस्ते डॉक्टर सर। नमस्ते नमस्ते दिनकर। दिनकर, ये मेरा भांजा है, मुझे बस कुछ पेपर्स अपने केबिन से निकालने हैं। ये मेरे साथ था तो मैंने सोचा कि चलो। श्योर सर। बस 10 मिनट। जी सर, एंट्री कर दीजिए। लेकिन सर, मेन रिसर्च लेबल जाने से मना कर दिया गया है। I know. चल चल बेटा, चलो। अगर मेरे को ये काम नहीं होता ना, मैं तुम दोनों को यहीं पे तेरे को तुम्हें आके पास में देता हूँ। नहीं नहीं, अब प्लीज प्लीज आप हमें यहाँ से जाने दीजिए। हम आइंदा आपके काम में कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये तेरे को पहले सोच रहा था। अरे सुनिए ना, हमें यहां से जाने दीजिए। जाना है? प्लीज। मोबाइल दे अपना, मोबाइल दे। दे रहा हूं। तुम्हें सर नहीं वो, अरे प्लीज आप, अरे मोबाइल ले लो, जाने तो दो। सब लोग मुझे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। ईशान भैया भी है। Hmm.
सूची, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं रहता और हम लोग अगर रोहित और ईशान को कांटेक्ट कर सकते तो इस ट्रैकर के थ्रू वो लोग उसे पकड़ तो लेते। लेफ्ट अंकल, लेफ्ट। लेफ्ट इस वक्त? हाँ, वो यहाँ यहाँ मेरी कुकरी क्लास है, इसलिए लेफ्ट। कुकरी क्लास? इतनी लेट? आजकल के बच्चों पर कितना प्रेशर है। ये तो अच्छा हुआ मैं ऑफ ड्यूटी था, वरना तुम्हारी क्लास मिस हो जाती। लेफ्ट अंकल, लेफ्ट लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट लेफ्ट। अंदर तो हम आ गए, पर आप We don't even know the password. तो सेफ खुलेगा कैसे? यही तो हमारा असली टेस्ट है। कैसे हो दिनकर? मुझे जरा अंदर जाना है, कुछ जरूरी केमिकल्स लेने। सर लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप अपने भांजे के साथ अंदर गए थे। क्या? ये तुम्हारी कुकरी क्लास है या ओपन एयर तंदूरी क्लास है? यहाँ तो सूची और फरहान भाई की बजाय, oh my god, क्या हुआ? ये तो वही आदमी है जो उस दिन कमाला हिल से भागा था। कमाला से भाग? एक मिनट, दम लगा के अंकल। I mean, ठीक है अंकल। हाँ। ये आदमी जरूर किसी से मिलना आया होगा, पहले उसे आने तो दीजिए, शायद वो फॉर्मूला का चोर हो। करेक्ट करेक्ट, मैं भी वही सोच रहा था। देखा रोहित, यही है असली नंबर। चेक दिस आउट डूड। अनबिलीवेबल यार, तेरे साइड से तो ये सेफ खुल गया यार। अमेजिंग। आई न्यू इट, चोर ने भी यही तरीका इस्तेमाल किया होगा। रोहित, कुछ स्मेल आ रही है ना? मेरा नया डियो, और क्या। फॉर्मूला मेरे पास है। हैंड्स अप, हैंड्स अप। कानून ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। कौन हो तुम? मैं एक बात बताओ, तुम लोगों ने ये किया क्यों? सर ये साबित करने के लिए कि ये सेफ कोई भी खोल सकता है, और उस रात यही हुआ सर। अच्छा, ये सेफ तुमने खोला कैसे? दिखाता हूं। क्या है? पोरिक पाउडर, और ये न्यूमेरिक पैड जिसपे चार नंबर का पासवर्ड है। तुम्हें कैसे पता चला? अभी बताता हूं। कैसे? सर वेरी सिंपल,
दिन भर इन चार नंबर्स को दबाने से इन पर फिंगर का पसीना जम जाता है, जिसकी वजह से उस पर पाउडर रुक जाता है, और बाकी नंबर्स जो यूज नहीं होते उन पर नहीं। कैरेट सर? वो तो ठीक है, लेकिन इन चार नंबर का सही ऑर्डर क्या है? वेरी सिंपल, इन चार नंबर्स के सारे कॉम्बिनेशन हमने ट्राई किए, एक तो सही होना था। Really? That's amazing. यही नहीं सर, अब हमें ये भी पता है कि वो सीडी केस किसने चुराया है। किसने? इसे स्मेल कीजिए सर। ये तो किसी फ्लावर की स्मेल है। फ्लावर नहीं सर, सैंडलवुड। सैंडलवुड टैल्कम पाउडर। पैसा लाए हो? सर मैंने ये सेफ बोरिक पाउडर से खोला और चोर ने टैल्कम पाउडर से, सैंडलवुड, जो मैंने डॉक्टर रेड्डी के घर पे देखा था। फॉर्मूला मेरे पास। हैंड्स अप, हैंड्स अप! कानून ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। मोहिते, मोहिते, डीएल कुलकर्णी बोल रहा हूँ। आ जल्दी से बैकअप भेजो, मैंने पकड़ लिया। हैंड्स अप! पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। You are under arrest. और फिर ना उसने हमें अपने घर का एड्रेस बताया और हमने फरहान भैया और सूची दीदी को फ्री कर दिया। Damn good, great job done, great job done. Guys, तुम लोगों ने कमाल ही कर दिया। I don't know how to thank you guys. लेकिन मेरे घर पे वो सीडी का कवर? Actually, रेड्डी ने उसे चुपचाप से पार्सल में डाल दिया था, ताकि सीआईए उसके बजाय तुम पर और मुझ पर शक करते। एक और बात, मगर याद रहे, सीआईए को धोखा देना अपने आप को धोखा देना होता है। एक बात बताओ, तुम लोगों ने हमारा फॉर्मूला तो बचा दिया, लेकिन ये सीआईए की कामयाबी का फॉर्मूला क्या? ईशान प्लस फरहान प्लस सूची